क्या नाम है आंटी जी आपका? चमन ब्रजवासी। कहाँ रहते हो? गौली मोहल्ला थानला। अल्लाह, क्या तकलीफ थी आपको? मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम और उसमें हाथ में झुनझुनाहट आना। अच्छा अच्छा। और मतलब गर्दन के आसपास दर्द रहता है। पहले बेल्ट लगा के घूमते थे? हाँ, पहले बेल्ट लगाती थी। अब गोली दवा और ये मतलब आयुर्वेदिक थेरेपी से आराम हुआ है। और इसके पहले कहाँ दवाई कराई थी आपने? इसके पहले दाहोद और फिजियोथेरेपी पेटलावत सभी दूर करो। भी उससे उसके जो पहले कराया था उनसे आराम हो रहा था क्या आपको? नहीं, पहले मतलब थेरेपी करा, फिजियोथेरेपी कराने के बाद दूसरे दिन नहीं करा तो वैसा ही दर्द वापस होने लग गया। अच्छा, अभी कैसा है आपको? कमर में ने सभी दूर आराम है और झुंझुनाहट में भी मतलब फर्क है, थोड़ी नाम मात्र की है। अच्छा, पहले से पूरा आराम हो गया आपको? हाँ, पहले से आराम है। अच्छा, तो अभी कोई तकलीफ दूसरी बस यही तकलीफ तो नहीं है, बस थोड़ा दर्द होता है तो बेल्ट नहीं पहनते हैं। बेल्ट मतलब यहीं से उतारा गया कि अब मत पहनो बेल्ट। पहले बेल्ट लगा के घूमना पड़ता है? पहले बेल्ट लगा के ही घूमते। अभी जो आपको यहाँ से आपका जो ट्रीटमेंट करा उससे आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, आराम है। हमारा काम कैसा लगा आपको? नहीं, बढ़िया है। ठीक है। इन पेशेंट को सर्वाइकल की प्रॉब्लम C5 और C6 पे थी और ऑस्टियोफाइट था साथ में, जिनके कारण इनके हाथ में झुनझुनी और गर्दन में बहुत दर्द रहता था। अभी कितना आराम है देख सकते हो। ये है मनिया बस्ती, जिसके थ्रू ऑस्टियोफाइट में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। डॉक्टर ने इनको भी ऑपरेशन का सजेस्ट कर दिया था, लेकिन अभी 7 दिन में बिल्कुल ठीक है। आपने सुना ही होगा पहले। धन्यवाद।